नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSE ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एक्सिस बैंक के अप्लाई एंड ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपना एक्सिस फॉर्म का फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं इंडियन एक्सिस बैंक। तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। लाइक कर दीजिए, शेयर और जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं एक्सिस बैंक के अप्लाई एंड ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर ना लास्ट जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा, इसी के नीचे लिख रहा है एक्सिस बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म 2023। क्लिक कर देंगे। क्लिक करने का, अगर आप जनरल OBC वाले हैं तो ₹600, अगर आप ST/EWS है तो ₹100 फीस है, अगर आप फीमेल है कोई भी कास्ट है तो ₹100 फीस है आपकी। 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर में हो जाएगा। दोस्तों, 21 साल से 28 साल की उम्र मांगी गई है आपकी, 1/10/2023 के हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। और डाउन आप यहाँ पर लिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक करें। अब दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, देख सकते हैं 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 10 नवंबर रखी गई है। तो दोस्तों, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे मिलेगा क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम डालना है, जो भी मार्कशीट में नाम है और नाम आप डालिए। लास्ट नेम है, मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, लास्ट नेम आप डालिए अपना। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम ही रहने देंगे, क्योंकि फर्स्ट नेम पे स्टार लगवा है और बाकी नहीं है। मोबाइल नंबर डालिए, फिर से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए आप अपनी, कंप्लीट आईडी यहाँ से कीजिए, उसके बाद फुल आईडी डालिए, उसके बाद ये कैप्चर आप यहाँ पर डालिए और सेव है नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है आपका। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपसे फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए बोला गया है। तो आपको फ़ोटो का साइज़ जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच। सिग्नेचर जो आपको फ़ोटो का साइज है JPG होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच। सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB से 20 KB के बीच आपका सिग्नेचर यहाँ पर लग जाएगा। दोस्तों, 10 से 20 KB के बीच आपको बीच में होना चाहिए, जब ही जो है आप अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपलोड कर लोगे उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है दोनों पे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप। दोस्तों, उसके बाद आता है आपका बेसिक डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपसे पूछा गया जाति, आप तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी जाति सेलेक्ट करेंगे, आप SC है या ST है या OBC है, जनरल है या EWS है, उसे आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आता है विकलांग, अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए, उसके बाद विकलांग का प्रकार चुनिए, नहीं तो आप इसे नो रखेंगे। उसके बाद नीचे आना, और नीचे आने के बाद यहाँ पर नो कर देना है आपको। उसके बाद आप हिंदू है या मुस्लिम है वो सेलेक्ट करेंगे आप, तो फिलहाल मैं हिंदू हूँ। उसके बाद ये वाली कॉलम, विच यू बिलोंग द रिसो माइनॉरिटी कम्युनिकेशन, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट है तो दोस्तों ये वाली कॉलम आपको यस करनी है, ये वाली। अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आप इसे नो ही रहने देंगे। उसके बाद आता है एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो रखेंगे। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा आपका। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे सेंटर, जो भी आपके सेंटर पास में है वो आप अपना सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद इंटरव्यू सेंटर, इंटरव्यू सेंटर के लिए आपको 2 सेंटर आ रहे हैं, नई दिल्ली या मुंबई, जो भी आपके पास में है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है, तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर चुका हूँ। उसके बाद आएगा आपका जेंडर, मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आएगा डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो आप फॉर्म भर रहे हो क्या वो जुड़वा है घर में, अगर है तो यस, ये वाला कॉलम, नहीं तो आप इसे नो रखेंगे। उसके बाद मैरिड है, इन मैरिड है वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद पिताजी का नाम, मदर का नाम, अगर आपका कम्युनिकेशन एंड परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए,
नहीं तो आप एंटी का करके अलग अलग अपना एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ लीजिए, फिलहाल मैं आपको सैंपल के लिए अभी बता रहा हूँ ये। तो जब आप अपना एड्रेस डाल दोगे तो आप चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने बाद आपके सामने आएगा क्वालिफिकेशन का ऑप्शन, तो यहाँ आपको क्वालिफिकेशन डालनी है। तो बार आपको डाल कर मैं दिखा देता हूँ। अब आता है दोस्तों क्वालिफिकेशन का, तो आपको क्वालिफिकेशन कैसे डालने हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको डालना है अपना यहाँ पर ग्रेजुएशन का, आपने BA, BCom, BSc वगैरह या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अगर आप अदर हैं तो इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद पासिंग है या चल रही है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी डेट डालनी है जब आपके यहाँ पर जारी हुआ था, जो आपका रिजल्ट आया था वो आप डालिए। यहाँ पर परसेंटेज आप डालिए अपनी। उसके बाद फर्स्ट है या सेकंड है वो सेलेक्ट करें आप। उसके बाद आता है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको क्या करना है, या मैं MBA है, मास्टर ये वाला है, MSc है, जो भी है इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद पासिंग ईयर है आपकी, अपेयरिंग है चल रही है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी चल रही है तो यहाँ पर अपेयरिंग डालिए, अगर आप कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पर उसकी डेट वगैरह डाल के जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मेरी अपेयरिंग है तो मैं चल रही है तो यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यस कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो डाल दीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद आपको ट्रेनिंग चाहिए अगर तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप इसे नो रखेंगे। तो उसके बाद आता है लैंग्वेज, आप पे हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज और आती है तो आप डाल दीजिए। तीन लैंग्वेज का ऑप्शन है यहाँ पर, और अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट करने बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार आप फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप बैक जाकर अपना फॉर्म सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई भी आपकी कनेक्शन की डेट नहीं रखी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कनेक्शन की कोई भी डेट नहीं है तो फॉर्म को आप ठीक से भरें, कोई भी गलती ना करें। तो मेरा सब चीज़ ठीक है, मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। उसके बाद उसकी हाई राइटिंग कि ये जो थंब लगाया है मैंने, ये थंब मेरा ही है, किसी और का नहीं पाया गया है, इस तरह से कोई लेटर आप लिखेंगे और यहाँ पर आप जो है उसे अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल मैं अपलोड करके दिखा देता, तो देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ अपलोड कर ली। अगर आपको ये चेक करनी है तो आप व्यू प्रीव्यू पे जाकर अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने बाद आपके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये कैप्चर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पेमेंट के ऑप्शन पर आ चुके हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, UPI, जिससे भी आपको पेमेंट करना आसान लगता है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिससे भी आप चाहे उससे आप अपनी पेमेंट यहाँ पर जो है कर सकते हैं, बहुत जो है बहुत यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, पेमेंट कर लेना और प्रिंट आप निकलवा लेना, अगर आपके पास प्रिंटर है तो साथ ही साथ प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप बाद में अपना PDF जो है निकलवा लेना जब इसकी ज़रूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, बाकी अभी आप क्या करेंगे, इसे PDF बना के अपने पास रख लेंगे और जो है जब इसका एडमिट कार्ड आएगा उसी से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों, एक्सिस बैंक के अप्लाई एंड ऑनलाइन प्रॉम प्रोसेस के बारे में, जैसे जैसे मैंने ऑनलाइन करना बताया। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।